आज रायबरी सांसद राहुल गांधी दिशा की बैठक के लिए रायबरी आए हुए थे। ऐसे में आज की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हुई। साथ में सबसे अजब बात क्या रही कि यहाँ पर आज कई नेतागण भी उपस्थित रहे। जी हाँ, हम आपको बताते चले कि राज्य मंत्री सदन प्रभार दिनेश सिंह इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही साथ ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे व रायबरी सदर विधायिका अति सिंह भी इस बैठक में मौजूद रही। लेकिन इस बैठक के बाद एक अजब चीज देखने को मिली। जी हाँ, राज्य मंत्री सदन प्रभार दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा हाथ में पोस्टर लेकर राहुल गांधी से सवाल किए गए। इसमें लिखा था, रायबरी के राहुल जी 6 माह में मात्र 5 घंटे तो 5 साल में 50 घंटे, मतलब 5 साल में कुल 2 दिन ही राहुल गांधी रायबरी आए। जैसा कि बैठक खत्म होने के बाद यह पोस्टर दिखाया गया और जैसे ही यह पोस्टर राज्य मंत्री सदन प्रभार दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा दिखाया जाता है, कहीं न कहीं या मीडिया में हाईलाइट हो जाता है और राज्य मंत्री सदन प्रभार दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा इस पर मीडिया कर्मियों को बाइक भी दी जाती है। आइए सुनाते हैं आपको दिनेश सिंह ने क्या कहा। अब हो गया, जो बात कहना था कह दिया। देखिए, मैं आज दिशा की बैठक थी भारत सरकार के द्वारा, भाई देखिए, आज दिशा की बैठक थी भारत सरकार के द्वारा रायबरेली की जनता की सेवा में संचालित योजनाएं परियोजनाओं के क्रियान्वयन के अनुसरण के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। मुझे खुशी है कि हमारे सदस्य विधान परिषद इंजीनियर अवनीश जी ने यह उठाया इस बात को कि रायबरेली में 182 ओवरहेड टैंक पानी की टंकियां बना करके रायबरेली वासियों को घर घर पानी पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो यह सदन प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता है कि रायबरेली जनपद में जो काम कभी कोई नहीं कर पाया, 182 टंकी पानी की रायबरेली जनपद में अधिस्थापित करा करके संचालित कराने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इसके लिए सदन ये धन्यवाद देता है। और प्रस्ताव रखा है इंजीनियर अवनीश अवस्थी जी ने, अवनीश सिंह जी ने, और सदन ने उसका हम सब लोगों ने ध्वनि मत से पारित किया कि देश के प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दिया जाए कि रायबरेली की पावन भूमि पर कोई प्यासा न रहे, इसके लिए उन्होंने 182 पानी की टंकियों की स्थापना की। ऐसे ही 2004 से 2014 के बीच में और 2014 से 2024 के बीच में जो हमारी सड़कें बनी हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, उसमें भी अमूल चूल परिवर्तन हुआ है। भले ही हमारी पार्टी का सांसद रायबरेली से नहीं हुआ, लेकिन 6,279 करोड़ रुपए 2 सालों में भारत की सरकार ने रायबरेली की सड़कों को दिया और केवल 1 4 लेन रायबरेली में सुपर प्राइम मिनिस्टर के टाइम हुआ करता था और आज 5 4 लेन हमारे बन रहे हैं। हमारा कुल बजट 6,279 करोड़ देश के सरकार ने रायबरेली के विकास के लिए दिया है। ऐसे ही 27,000 करोड़ रुपए 2004 से 2014 के बीच में PMJSY में मिला, जबकि रायबरेली में भारत की सरकार ने 4,100 करोड़ रुपए 2014 से 2024 के बीच में दिया। तो ये अंतर दिखाई देता है कि भारत की भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार रायबरेली वासियों की सेवा ईमानदारी से करना चाहती है और कांग्रेस के लोग सिर्फ दिखावा करने, पिकनिक मनाने के लिए आकर के चले जाते हैं, लेकिन असल में सेवा ये कागज भी दिखाते हैं कि इतने काम भारत की सरकार ने किए हैं, जो कांग्रेस और भाजपा के बीच का अंतर साफ साफ दिखाई देता है। सेवा तो भाजपा के लोग करते हैं, भाजपा की सरकारें करती हैं, मोदी जी करते हैं, योगी जी करते हैं, अवनीश जी करते हैं, उमेश जी करते हैं, दिनेश सिंह करते हैं, बाकी लोग पिकनिक मनाते आते हैं। तो मैं रायबरेली की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि पिकनिक मनाने वालों से सतर्क।